भाई लोग ऐसा है ना कि मुझे जिन जिन मूवीज का बेसब्री से इंतजार है लाइक KGF 3, पुष्पा 2, सलार, फिर विक्रम 2, ऐसे बहुत सारे मूवीज है जिसके इंतजार है। उसी तरीके से ऋतिक रोशन की वॉल 2 का भी मुझे काफी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये एक ऐसा मूवी ना जो कि अलग ही लेवल एक स्टैंडर्ड सेट करता है। वाइरफ यूनिवर्स की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट मूवी होने वाला है वॉल 2, पठान के बाद टाइगर 3, एंड उसके बाद अगर कोई ये वाइरफ के अंदर तबाही करेगा तो भाई साहब ये वॉल 2 होने वाला है। और ऋतिक रोशन सर की बात करें तो उनकी लाइनअप की बात करें तो भाई तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट लेके वो बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ आनंद के साथ ही फाइटर में वो आने वाले हैं, अलग ही लेवल सीन। फिर यहां पे वॉर 2, उसके बाद क्रिश 4, भाई अलग ही लेवल सीन्स ये बंदा कर रहा है। इसका लाइनअप देखोगे तो भाई अलग ही लेवल सीन है, ये सभी के सभी नाम पे 500 करोड़ ले जाएंगे, भाई अलग ही सीन है, ठीक है। बट ये जो वॉर 2 का आज सेकंड अनदर बिग अनाउंसमेंट हुआ, पहला अनाउंसमेंट ब्रह्मास्त्र का हुआ है। भाई साहब अनायक मुखर्जी ने क्या कहा, 3 साल बैठ जाओ उसके बाद अपन 26 में लेके आएंगे ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, फिर पार्ट 3 27 में, वो सीन है। उसके बाद जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है वो है वॉर 2, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड उसके अंदर एक अनाउंसमेंट ये भी अपडेट आया था कि आयन मुखर्जी ब्रह्मास्त्र के पहले, मतलब उससे पहले और एक फिल्म, बहुत ही बड़ा फिल्म जो है वो डायरेक्ट करने वाले हैं। वो उन्होंने रिवील नहीं किया, बट इतना था कि आने वाला है, बट ये वो होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जी हाँ, अब डायरेक्टर अनाउंस्ड हो चुके हैं, लगभग कैसे तो कंफर्म्ड है कि वॉर 2 को डायरेक्ट करने वाले आयन मुखर्जी। भाई खाली ये चीज सुन के ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहे, कबीर तुम मुझे मत छोड़ना, कबीर कबीर आके एक बार दरवाजा खोल दो, कबीर मुझे डर लग रहा है, कबीर कबीर तुम बंदूक निकाले हो, कबीर तुम्हें लग जाएगा, तुम छोड़ दो, कबीर कबीर ये मत करो, कबीर वो मत करो, कबीर। भाई साहब सीरियस बता रहा हूं, ये एक एक्शन मूवी है, इसका एक लेवल है। वॉर के अंदर जो चीजें हैं आपको 3-4 गुना उसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं। ये काय का एक्सपेरिमेंट हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। और दूसरा मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतने बड़े बड़े मूवीज के अंदर आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करना क्यों है। भाई साहब सब चाहते हैं कि पठान के बाद सिद्धार्थ आनंदी इसको करे डायरेक्ट, अगर आपको उससे नहीं करवाना तो कबीर खान से करवा लो। भाई इन सभी चीजों का ना मास्टरमाइंड बंदा यही है। अली अब्बा जफर ने भी काफी बेहतरीन डायरेक्शन किया, उससे भी चीजें करवा सकते हो। मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोगों को इतने बड़े बड़े मूवीज के अंदर, इतने बड़े बड़े फ्रेंचाइजी जहां पे घुसते हैं, लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हुए परे हुए इन सभी मूवीज को लेकर, उधर पे आप लोगों के ये एक्सपेरिमेंट करना क्यों है। बट जो भी हो, वॉर 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है, ऋतिक रोशन तबाही करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। भाई खाली ये बंदा नाम सुन के ना 300 करोड़ भाई ऐसे ले जाएगा, वो डायरेक्टर KRK हो या फिर आयन मुखर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा अलग ही लेवल है, सीन हो जाएगा, ये मूवी अलग लेवल होगा। आप लोग इसमें क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मचाते रहे अपने सपने पूरे करते रहे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।